हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई, तो मैं सीधा ब्रेकफास्ट टेबल से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आज मैंने आलू का पराठा बनाया और ये आप देख सकते हो कितना अच्छे से स्टफिंग हुआ। मुझे वैसे आते नहीं हैं इतने अच्छे से बनाना, पर अच्छा बना था। तो अभी ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद मैं लंच की प्रिपरेशन करूँगी। तो आपसे मैं पूरा दिन का एक्टिविटी शेयर करूँगी, आप वीडियो लास्ट तक बिल्कुल देखते रहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सब्जी काट रही हूँ और मैंने फिश को धो के रखा है, आज फिश करी बनेगी। तो पहले यहाँ पे सब्जी सारा मैं काट लेती हूँ, उसके बाद मैं सब कुछ फ्राई करूंगी और जैसे जैसे मैं बनाऊंगी मैं शेयर करती जाऊंगी। यहाँ पे मैंने सारा सब्जी काट के रखा है, तो अभी इसको मैं थोड़ा सा वॉश करूँगी। मैंने पहले वॉश किया था, पर अभी मैं थोड़ा सा और वॉश कर लूँगी और फिर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे फिश को थोड़ा हल्दी नमक लगा के पूरा मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद इसको मैं पहले फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं जो दूसरा जो सब्जी काट के रखा है उसको भी साथ ही साथ फ्राई करूंगी उसके बाद। यहाँ पे मेरी फ़िश करी बनके तैयार हो गया है, तो अब भी हम लंच नहीं करेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, तो इसको अभी मैं रख दूँगी। तो अभी शाम हो चुकी है, तो चाय बना रही हूँ अभी मैं, और मुझे इलायची का जो चाय है, मतलब चाय में इलायची डाल के जब बनाते हैं तो मुझे वो बहुत पसंद है, तो अभी मैं वैसे ही बना रही हूँ। और ये मेरी गार्डन की कुछ व्यूज़ है, और ये जो मेरी बालकनी से ये बाहर का व्यू है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं काफ़ी टाइम इस जगह पे स्पेंड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके जब बारिश होती है तो ये जगह मतलब और भी सुंदर हो जाती है। तो ये कुछ प्लांट्स हैं, इसको मैंने पानी वानी डाल दिया था दोपहर में ही। तो चलिए अभी चाय पीते हैं, चाय लगभग हो ही गया है। तो यहाँ पे मेरी चाय बनके तैयार हो गई है, तो अभी लेके चलती हूँ टी टेबल पे। तो मैंने हस्बैंड को बोला था कुछ एसोर्टेड बिस्किट लाने के लिए, वो लेके आए हैं, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, मन कर रहा है सब खा जाऊँ, पर दो ही खाऊँगी। तो चलिए चाय पीते हैं और फिर थोड़ा सा घूमने भी जाएंगे।
तो वेदर बहुत अच्छा हो रखा था, तो हमने सोचा थोड़ा घूम के आते हैं तो थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। और हमने कोई प्लानिंग नहीं बनाया, मतलब कहाँ पे जाएंगे, हम ऐसे ही घूम रहे हैं, मतलब जहाँ मन कर रहा है उस तरफ जा रहे हैं। तो ये जो रास्ता है इस पे हम इसके पहले भी काफ़ी बार घूमने गए हैं, और हम दोनों को ये रास्ता जो है बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे ही घूमते रहो आप, और गाड़ी भी बहुत कम रहती है तो इसलिए और भी अच्छा लगता है। नहीं तो आप अगर सिटी की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत गाड़ी वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो फ्लैट्स देख रहे हो ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, जो लोगों को ऐसे शायद फ्री में या कम कॉस्ट में दिया जाएगा, आई थिंक फ्री ही दिया जाएगा। तो अभी हम थोड़ा और दूर जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे जाके हम यू टर्न लेते हैं। तो चलिए आप भी देखते रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा होपफुली।